हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। आज के हम रीजनिंग के क्लास में कैलेंडर के बारे में जिक्र करेंगे, उससे आए हुए प्रश्न और आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी में उसे बताएंगे। आपके कैलेंडर से जो प्रश्न होता है एक या दो क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो एक और दो क्वेश्चन को करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि अब आपके पास जब सभी क्वेश्चन आप पेपर में कर लिए हो और कैलेंडर का ही क्वेश्चन ऐसा हो रीजनिंग के सेक्शन में जो आपका फंस रहा हो, आप 50 पे 50 जाए हो, तो आप क्या करो, आपको कुछ ट्रिक बता दूंगा मैं जिससे आपको आसानी से लग जाएगा। तो कैलेंडर के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक डिफरेंट पैटर्न पे, एक ही पैटर्न वो पकड़ता है एग्जामिनर और उसी पे पूछता चला जाता है। दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसी पैटर्न पे वो पूछता है, उससे अलावा और किसी भी टाइप पे वो जाता नहीं है क्योंकि उसे एक ही क्वेश्चन यहां से उठा रहा होता है। अब देखते हैं कि हम कैलेंडर में, जो हमारा कैलेंडर है इसमें किस किस चीज के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा पॉइंट ये होगा कि कैलेंडर हमारा ईयर के बारे में बात करेंगे, साल के। और हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा ईयर होता है वो एक होता है आपका लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। ठीक, लीप ईयर आप सभी लोग जानते हो कि लीप ईयर में क्या होता है, आपका 52 सप्ताह होते हैं, टोटल डे कितने होते हैं 365 डे। आपके इसमें जो होते हैं 365 डे होते हैं और इसमें 366 डे होते हैं। ठीक, 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है जिसे हम ऑड डे कहते हैं, ठीक, विषम दिन कहते हैं। और नॉर्मल ईयर में होता क्या है कि 52 सप्ताह होता है टोटल आपका और 1 डे जो होता है आपका, 1 दिन जो आता है ऑड डे आता है, विषम दिन आता है। ठीक है, आप सभी लोग इतना जानते होंगे। उसके बाद से हम बात करें इसी में लीप ईयर की। ठीक है, ये आप लोग रफ कर दे रहे हैं, लीप ईयर की बात करें तो इस लीप ईयर में कुछ आपको सिंपल क्वेश्चन देता है कि आप लीप ईयर में आप पहचानो कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा नॉर्मल लीप ईयर है। तो लीप ईयर पहचानने के लिए, अब लीप ईयर में पहचानने के लिए दो चीजें हैं। एक तो आपको ये पता पहचानना चाहिए कि सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है, शताब्दी लीप ईयर क्या होता है, और एक आपका जो नॉर्मल लीप ईयर है वो क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल लीप ईयर, तो सेंचुरी लीप ईयर को हम बोल सकते हैं आपका जो सेंचुरी लीप ईयर है, जैसे कि 1900, 1600, 2000, 1800। अगर इनमें चेक करना है आपको कि सेंचुरी लीप ईयर कौन सा है, तो उस केस में सेंचुरी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंचुरी को 400 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, सेंचुरी को 400 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो सेंचुरी आपकी लीप ईयर कहलाती है, वो सेंचुरी आपकी सेंचुरी लीप ईयर कहलाती है। जैसे 1900 को 400 से डिवाइड करें तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका 3 आएगा। इसे 400 से डिवाइड करें तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। तो 1600 आपका क्या हो जाएगा, सेंचुरी लीप ईयर हो जाएगा। ऐसे इसे डिवाइड करें तो इसमें भी रिमाइंडर आएगा तो ये नहीं होगा, इसे डिवाइड करेंगे 400 से तो ये डिविजिबल हो जाएगा तो ये आपका सेंचुरी लीप ईयर हो जाएगा। तो जब भी आपका पूछे आपसे ऐसा हो कि आपके ईयर जो है इस टाइप में दिया हो 1900, 1600, 1700, तो आप क्या करो, इसे 400 से चेक करना, ना कि 4 से चेक करना। अब आते हैं हम लीप ईयर के बारे में बात करें, सिंपल नॉर्मल लीप ईयर होता है। नॉर्मल लीप आपका जो भी ईयर दिया हो इस फॉर्मेट में दिया होगा, नॉर्मल जो लीप ईयर होगा आपका जो भी ईयर होगा इस फॉर्मेट में होगा, जैसे 1947, 1948, 1950, 2016, 2018। इसमें आपको चेक करना होगा कि लीप ईयर होगा कौन सा नहीं। तो इस केस में ये सेंचुरी वाले नहीं, सेंचुरी वाले केस में आपके ईयर के बाद 00 आएगा, ये जान लेना। तो इसे चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करोगे, 4 से ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट की दो संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं होगा। ये 4 से डिविजिबल है, लास्ट की दो संख्या 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर होगा, और ये वाला भी आपका क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। और इसमें आ जाओ तो ये 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर होगा, और ये नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं होगा। तो कुल मिला के देखते हैं कि अगर हमें लीप ईयर चेक करना है तो हम 4 से डिवाइड कर देते हैं सन को, बाकी आपको जब सेंचुरी लीप ईयर चेक करना होता है तो 400 से करते हैं। अब हम आते हैं इसी में कुछ क्वेश्चन, जैसे अभी हम सेंचुरी की बात किए हैं, जैसे हमारे पास सेंचुरी ईयर जो होता है
ये होता है 1900, 1700, 1800, 1600। तो इसमें आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछता है कि सेंचुरी ईयर में, चाहे लीप ईयर में, चाहे सेंचुरी ईयर हो चाहे सेंचुरी लीप ईयर हो, वो तो यहां से चेक करने के बाद पता चलेगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है डायरेक्ट सेंचुरी से कि कौन सा दिन शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता। ठीक, पहला दिन शताब्दी का नहीं हो सकता, फर्स्ट डे आपका नहीं हो सकता है, कौन सा दिन? तो आप जान लो पहला दिन जो है शताब्दी का कौन सा नहीं हो सकता, वो है आपका मंडे। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे छोड़ दो, वेडनेसडे, थर्सडे छोड़ दो, फ्राइडे और आपका ये सैटरडे। ये आपका सेंचुरी का जो होता है, ये आपका सेंचुरी का प्रथम दिन होता है। ठीक, सेंचुरी के प्रथम दिन आपके पूछे जाए कि जो मैंने आपसे बताया था कि सेंचुरी का पहला दिन, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेंचुरी का पहला दिन कौन कौन सा हो सकता है, तो सेंचुरी का पहला दिन क्वेश्चन आपसे ये होगा कि सेंचुरी का पहला दिन कौन सा नहीं हो सकता है। तो देखो ये तो होने वाले हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये सेंचुरी के पहला दिन होने वाला है, और जो इसमें नहीं दिख रहा है वो सेंचुरी का पहला दिन नहीं होगा। और लास्ट जो होगा आप सेंचुरी का लास्ट डे, वो क्या क्या हो सकता है, वो मंडे हो सकता है, ट्यूसडे इसमें भी छोड़ दो, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे छोड़ दो, फ्राइडे हो सकता है और सैटरडे छोड़ दो, संडे हो सकता है। तो आप कह सकते हो जो आपका लास्ट डे होगा वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे में से होगा, और जो आपका फर्स्ट डे होगा वो ये होगा। तो इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सेंचुरी का लास्ट डे, क्वेश्चन हमेशा पूछता कौन सा नहीं होगा, लास्ट डे कौन सा नहीं होगा, तो आपको ये ध्यान रखना कि मंडे तो होता ही है, वेडनेसडे होता है, फ्राइडे होता है, संडे होता है, कौन सा नहीं होता है, थर्सडे नहीं होता है और सैटरडे नहीं होता है लास्ट डे, और कौन सा छूट गया आपका, ट्यूसडे छूट गया है, ये नहीं होता है लास्ट डे। तो इससे कुछ जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, तो उसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है इसी में कि जो टाइप वन है हमारा, कि टाइप वन का टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए टाइप वन है, जैसे आपको डेट दे देगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, बाकी आपको कुछ भी गिवन नहीं होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ चीजें मेमोराइज करना जरूरी है, जैसे मंथ कोड, ठीक है, सेंचुरी कोड और डे कोड, ये तीनों चीज आपको याद करना पड़ेगा। चलिए बारी बारी से देखते हैं कि मंथ कोड क्या होता है। मंथ कोड आपका लिखिए जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक, तो जो कोड होगा आपका 144 025 036 146, ठीक है, ये आपका कोड हो गया। ये कब होगा, जब आपका नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है। जैसे ही लीप ईयर होगा ये, तो लीप ईयर में क्या होगा कि ये कोड बदल जाएगा, सिर्फ 0 जनवरी और फरवरी का 03 हो जाएगा, बाकी सेम एज सेम रहेगा। तो आप सभी लोगों ने कोड लिख लिया होगा। अगला हम यूज करते हैं इसमें सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं, सेंचुरी कोड में ईयर जो होता है आपका, सेंचुरी ईयर जो होगा, जो सेंचुरी ईयर होगा उसे हम 400 से डिवाइड कर देंगे। अगर रिमाइंडर आपके पास 0, 1, 2, 3 में से यही आएगा, 0 आता है तो 6, 1 आता है 4, ये 2, ये 0, ये आपका रिमाइंडर आया जी, ये और ये होता है आपका कोड वाला पार्ट। मतलब अगर रिमाइंडर 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो कोड आपका 6420 जैसे लिखा वैसे होगा। अब आते हैं अगला, इसी में जो बात किए थे डे कोड के बारे में। तो डे कोड क्या होगा, डे कोड याद रखिए आप कि जो आपका डे कोड होगा, 0 पे सैटरडे शुरू होगा, 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेडनेसडे, 5 पे डे और 6 पे फ्राइडे।
फ्राइडे, इतने चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इतना चीजें हो गया, चीजें हो गई, आप लोग सभी लोग नोट कर लिए होंगे। अब सेंचुरी कोड को मैं रफ करता हूं और सीधे क्वेश्चन पे आता हूं। आप ये भी सब देख लिए होंगे, डे कोड, चलिए डे कोड। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका बोला है 15 अगस्त 1947। तो आपका जो फॉर्मूला बनता है इस क्वेश्चन को करने के लिए टाइप वन के, फॉर्मूला ये है कि डे प्लस जो आपका दिन दिया है उसे, डेट जो दिया है आप, डेट प्लस मंथ दिख रहा है तो उस मंथ का कोड प्लस ईयर, जो ये जो शब्द है ये पूरा टोटल ईयर है, इसमें पहला जो शब्द आपका सेंचुरी बताता है कि कौन सी शताब्दी चल रही है, तो शताब्दी हमारा इसका मतलब इसकी सेंचुरी कोड प्लस ईयर, कौन सा साल है उस शताब्दी का, तो ये बताता है लास्ट डिजिट 47 और उसके बाद से नंबर ऑफ लीप ईयर, मतलब इन सब को उठा के 7 से डिवाइड कर दो जो आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो इक्वल टू डे कोड हो जाएगा। मतलब जो भी रिमाइंडर आया उसको डे कोड से मैच कर लेंगे, क्योंकि जो आपका रिमाइंडर आएगा 0 से लेकर 6 तक का रिमाइंडर आएगा और वही देख लेंगे कि डे कोड में 0, 1, 2, 3 में कौन सा दिन पड़ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी तरह इस क्वेश्चन को करते हैं, इसका आंसर क्या होगा चलिए देखते हैं। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। अगला, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपसे बताया था कि डेट आपको यू लिखना है, डेट हो गई 15, उसके बाद से मंथ कोड लिखना है। मंथ कोड क्या है आपका, इसमें मंथ कोड है अगस्त, अगस्त का मंथ कोड देख लीजिए 3 है तो 03 लिख लीजिए। उसके बाद से सेंचुरी, सेंचुरी कोड आप कैसे पता करोगे, सेंचुरी है इसमें पहला जो दो अक्षर ईयर का बताता है वो सेंचुरी बताता है, इसका मतलब जो सेंचुरी हमारी है 1900 है, इस सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड कर दो। अगर रिमाइंडर आपका कितना बच गया, रिमाइंडर आपका बच गया 3, रिमाइंडर 3 मतलब आपसे सेंचुरी कोड में देख लीजिएगा, सेंचुरी कोड में रिमाइंडर 3 का जो कोड होता है वो 0 होता है, ठीक, तो इसका कोड हो जाएगा 0। अगला क्या है हमारा कि ये हो गया सेंचुरी कोड, अब ईयर है तो ईयर हम वैसे कि वैसे उतार लेंगे 47, वहां साल है 19वीं सेंचुरी का। उसके बाद से नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ईयर होता है, ठीक, यहां लिख लीजिए नंबर ऑफ जो लीप ईयर है, ये कैसे निकलेगा, जो हमारा ईयर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो क्वेश्चन बचेगा वही हमारा, ठीक, जो क्वेश्चन बचेगा हमारा, जैसे आपका 47 है 4 से डिवाइड किए तो 11 बार में जाएगा, तो जो हमारा ये क्वेश्चन है यही नंबर ऑफ लीप ईयर बताता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ लीप ईयर, यहां से कितना आएगा, 11 आएगा, इसे प्लस करेंगे तो 7, 10, 15, 16, 6 और ये 76 दिन आएगा, 76, इसको 7 से डिवाइड करेंगे लास्ट में तो ये क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर इसमें 6 आ जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। तो आप जब डेकोड आपको जो लिखवाया था ये किसके डेकोड के बराबर है, ये डेकोड किसके बराबर है, ये डेकोड है फ्राइडे का, तो उस दिन हमारा 15 अगस्त 1947 को क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला हम बढ़ते हैं इसी में कि इसको एग्जाम में करना होगा तो हम कैसे करेंगे, चलिए एग्जाम में करना होगा तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होना चाहिए, ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप सब समझ लो कि आपको कोड याद होना चाहिए एग्जाम में करने के लिए। और आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, जैसे 15 अगस्त 1947 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है इसमें, आप क्या करो जो भी आपके डेट हैं पहले उनको 7 से, क्योंकि लास्ट में आप 7 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर निकालते हो, पहले से ही 7 से डिवाइड कर दो और छोटा छोटा कर दो। अगर हम 7 से 15 को डिवाइड कर दें तो यहां से हमारा रिमाइंडर आएगा क्या, 1, ठीक, क्योंकि एक दिन विषम आएगा इसमें। उसके बाद से अगस्त का कोड क्या होता है, 3, 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो इसमें भी रिमाइंडर 3 ही आएगा। उसके बाद से हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी सेंचुरी है, सेंचुरी का कोड क्या होता है 1900 का, तो उसका होता है इसको 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आता है, रिमाइंडर 3 मतलब 0 आता है आपका कोड, ठीक, तो 0 को 7 से डिवाइड करोगे तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इसमें 0 ही आएगा। उसके बाद से ईयर है, ईयर 47 है, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7, 6, 42 6 बार जाएगा, अब 42 और 5 आपका जो है इसमें क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। और लास्ट आपका होता है नंबर ऑफ लीप ईयर, तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपका कितना आता है, 11 आता है कि 11 बार जाता है, 44, तो ये आपको 7 से जब डिवाइड करोगे तो इसमें से रिमाइंडर कितना आएगा,
सात चार ग्यारह, चार रिमाइंडर आएगा। अब ये देखो छोटा हो गया तो इसको आप डायरेक्ट एक ही लाइन में कर सकते हो, पांच चार नौ, नौ तीन बारह एक तेरह, तो यहां से आ जाएगा तेरह, ये सात से फिर से बड़ा हो गया, फिर से सात से डिवाइड कर दें इसको, तो इसमें से कितना आ जाएगा रिमाइंडर छह। तो रिमाइंडर छह का मतलब आप जानते हो कि किसका डे कोड है, ये डे कोड है आपका फ्राइडे का, तो इसमें आंसर आ जाएगा फ्राइडे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो टाइप है इसका टाइप टू देखते हैं कि एग्जामिनर आपसे टाइप टू का क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है। टाइप टू से जाने से पहले एक चीज, इसी से कोड से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो मैं बता दे रहा हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन बोलता है कि जो आपका कोई भी नॉर्मल ईयर में, आप पहले कोड लिख लीजिएगा फिर से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तो आपका जो ये कोड होगा 144 0 25 0 36 146, ठीक है, ये कोड हो गया। अब इसमें हम जो पूछता है बेसिकली आपसे एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि किसी भी नॉर्मल ईयर में, किसी भी साधारण वर्ष में अगर एक तारीख को, ध्यान दीजिएगा, अगर एक फरवरी को मंडे है किसी भी साधारण वर्ष में, ठीक, एक किसी भी साधारण वर्ष में मंडे है, तो उसी वर्ष में एक नवंबर को क्या होगा आपको बताना होगा। तो जब ये कोड बहुत हेल्प करता है, ये कोड ये हेल्प करता है कि आपके जितने भी मंथ होंगे जिनके कोड सेम होंगे, जैसे फेब मार्च और नवंबर और चार जिसका भी लिखे, तो इन सब के जो मंथ का कैलेंडर होगा, जो मंथ का शुरुआत होगा चाहे अंत होगा जो भी होगा, वो पूरा का पूरा सेम होगा। मतलब अगर ये फरवरी है, इसकी एक तारीख मंडे से स्टार्ट है, तो इसकी भी एक तारीख मंडे से स्टार्ट होगी, और नवंबर की भी एक तारीख आपका मंडे से स्टार्ट होगा। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा किसी भी साधारण वर्ष में एक फरवरी को मंडे है तो एक नवंबर को क्या होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर दे देना मंडे होगा, क्योंकि इनका जो कोड होता है वो सेम होता है। अगर वही पूछे आपसे कि किसी भी लीप ईयर में, क्योंकि लीप ईयर का कोड क्या होता है, दोनों का चेंज हो जाता है, जनवरी फरवरी का जीरो और थ्री, किसी भी लीप ईयर में अगर एक फेब को ट्यूजडे है तो आप बताइए कि एक अगस्त को क्या होगा, तो आप जानते हो कि जिसका कोड सेम होगा, जैसे इसमें फेब में अब तीन आ गया, तो तीन कहां मिलेगा आपको, तीन अगस्त में मिलेगा, तो अगस्त का और फेब का कैलेंडर सेम होगा, ठीक, अगस्त मंथ का और फेब का कैलेंडर आपका होगा जो वो हुबहू होगा, जितने तारीख से ये शुरू होगा जिस दिन से उसी तारीख से ये भी शुरू होगा, तो इसका भी आपका होगा ट्यूजडे। अब इसी में और थोड़ा सा घुमाता है क्वेश्चन एग्जामिनर, क्वेश्चन ये घुमाता है आपसे कि अगर आपका तीन फेब को मंडे है किसी साधारण वर्ष में, तो बताइए कि आप तीन अगस्त को क्या होगा, ठीक है, साधारण वर्ष का बोला है, तो साधारण वर्ष में फेब का कोड चार है और अगस्त का कोड तीन है, तो कितना आपको कम लग रहा है, अगस्त फेब से एक कम लग रहा है, एक कम लग रहा है, और आपका डेट जो दिया है इन दोनों में सेम दिया है, तीन ही तीन तारीख का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये दिन मंडे दिया है उसमें से एक दिन माइनस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों के कोड में एक डिफरेंस है और अगस्त का ही पूछ रहा है, तो इसमें हम माइनस करके लिखेंगे, एक दिन इसमें माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा संडे, ठीक है। और यही क्वेश्चन, इसी में थोड़ा बदलाव हो जाता, यहां पर हो जाता आपका 10 तारीख कि 10 अगस्त को क्या होगा, तो 10 अगस्त का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहला काम कि हम 3 अगस्त का निकालते हैं, 3 अगस्त तक जाते हैं, क्योंकि 3 फरवरी को मंडे है तो हम 3 अगस्त तक निकाल लेते हैं, हम डेट सेम कर देते हैं, सिर्फ मंथ आपका वेरी करता है, तो मंथ वेरी करता है, तो मंथ के कोड्स देख लेते हैं कितने का अंतर है, एक का अंतर है, तो एक का अंतर है, तो यहां पे 3 अगस्त को आप जैसे निकाले थे कि यहां पे संडे होगा, तो अगर यहां संडे होता है तो आप सभी जानते हो कि 7 दिन बाद हमारा वही दिन फिर से आता है, रिपीट होता है, तो अगर 10 को पूछ रहा है तो 7 में 3 में हम 7 को 7 दिन और जोड़ देंगे तो हम पहुंच जाएंगे 10 अगस्त को, ठीक, 3 तारीख को है इसमें 7 दिन और जोड़ देंगे तो हम 10 अगस्त को पहुंच जाएंगे, तो 10 अगस्त को भी हमारा क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। अब चाहे इसी में आपसे पूछ लेता कि 5 तारीख को क्या होगा, तो 3 तक तो पहुंचे ही होती है, 3 अगस्त को संडे है तो 5 को क्या होगा, 4 को मंडे होगा और 5 को आपका ट्यूजडे होगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन जनरल आपके बनते हैं जो बहुत आसानी से लग जाते हैं। चलिए अगला हम आते हैं,
ये तो हो गया इस कोड से बेसिस पे क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि टाइप टू किस टाइप का क्वेश्चन आता है। टाइप टू के लिए आपके इस कोड की जरूरत नहीं है। टाइप टू का जो क्वेश्चन होता है उसमें एग्जामिनर आपका क्या करता है कि जो आपको जो इससे क्वेश्चन दिया गया 15 अगस्त 1947 को एग्जामिनर जो आप जानते हो आप निकाले हो इससे फ्राइडे आता है। एग्जामिनर आपको जो क्वेश्चन दे देगा उसमें आपका दे दिया कि इस दिन आपका क्या हो गया ट्यूजडे हो गया। ठीक, अगर इस दिन ट्यूजडे हो गया तो आप बताओ 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा। अब टाइप टू जो है ये इस टाइप टू में आप देखोगे दो डेट दिया रहेगा जिसमें एक एग्जामिनर आपको उसका दिन दे देगा और दूसरे का एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए और जिसमें ध्यान रखना है जिसमें ये डेट आपका सेम हो, मंथ सेम हो, सिर्फ ईयर का डिफरेंस हो, ये टाइप टू हो जाता है। ठीक, तो इसमें हम डायरेक्ट क्या करते हैं जो ईयर का डिफरेंस होता है वो निकाल लेते हैं। 47 से लेके 50 में कितने साल का डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस है। और सभी लोग जानते हो कि एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, मैंने शुरुआत में बताया था। तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है तो 3 साल में 3 दिन मिलेगा हमें, ऑड डे 3 एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे। उसके बाद से ये देखते हैं कि इसके बीच में क्या कोई लीप ईयर पड़ा है। हाँ, तो 47 है और 48 जो जानते हो कि ये 4 से डिविजिबल होता है तो ये 1948 लीप ईयर होगा। तो 1948 लीप ईयर होगा वो किसमें शामिल होगा, 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1948 तक जाएंगे तो हमारा 48 की जो फैब मंथ है वो शामिल हो जाएगा। और 48 का जो फैब होगा वो 29 दिन का होगा, उसके वजह से मुझे एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो हर साल में तो 3 दिन मिलता ही है तो उस लीप ईयर की वजह से एक दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो टोटल हमारा ऑड डे जो हो जाएगा, एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। तो ये जो 4 दिन आया आपका वो ट्यूसडे में डायरेक्ट हम 4 दिन जोड़ देंगे तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सैटरडे। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप टू का, डायरेक्ट ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो अब हम आते हैं इसी में टाइप थ्री। ठीक, टाइप थ्री में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन सेम में रखता हूं। टाइप थ्री में ये होता है कि ये आपका जो अगस्त मंथ है सेम रहेगा, सिर्फ आपका डेट चेंज हो जाएगा। ठीक, आपका जो ये डेट है ये अगस्त में ही आपका मान लीजिए 25 तारीख हो जाए। ठीक, और 25 अगस्त 1950 का पूछे आपसे तो आपको कुछ नहीं करना। पहला काम जैसे टाइप वन में, ये टाइप थ्री हो जाएगा, टाइप टू में आपने किया था कि आपका जो ये 15 से 15 था, मंथ था और डेट सब सेम था तो सिर्फ डायरेक्ट आप किसका ईयर का गैप डिफरेंस निकाल लेते थे और जो दिया हुआ होता डे होता था उसमें जोड़ देते थे। इसमें भी आपको वही करना है कि आप डेट तो आपका डिफरेंस हो गया है मगर हमें जब करना होगा क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे कि इससे अभी कुछ देर के लिए रोके रहेंगे और सिर्फ हम 15 अगस्त 1950 का पहले निकाल लेंगे कि कौन सा दिन आया। तो आपने निकाला था टाइप टू में निकाले थे तो 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन आया था, सैटरडे आया था। ठीक, अब जब ये सैटरडे आ गया 15 तारीख तक तो अब हमें 25 को जाना है उसी अगस्त में, चाहे आप अगस्त का हो, चाहे सितंबर का हो, चाहे अक्टूबर का हो, वो आएगा टाइप फोर में जब ये आपका मंथ चेंज हो जाता है। तो अब 15 से हमें 25 जाना है। ठीक है, तो 15 अगस्त तक तो थे ही, हमें और 25 जाना है मतलब 10 दिन और जाना है इसमें, तो 10 दिन जाना है एक्स्ट्रा। तो 10 दिन में आपका कितने नंबर ऑफ ऑड डे आ जाएंगे, यहां से जो 7 से डिवाइड कर दे क्योंकि ऑड डे निकालने का मतलब ऑड डे आपका वो विषम दिन होता है। विषम दिन मतलब कि जो सप्ताह नहीं बना पाते हैं। ठीक, एक सप्ताह नहीं बना पाते हैं उन्हीं को ऑड डे बोलते हैं। तो जैसे 15 तक तो हमें पता चल गया कि सैटरडे होगा, अगर हमें 25 तारीख को जाना है तो इसमें 10 ऐड कर दें तो हम 25 को पहुंच जाएंगे। तो 10 दिन में कितने हफ्ता, एक हफ्ता तो कन्वर्ट हो जाएगा और 3 दिन बच जाएगा आपका। तो जो 3 दिन बचेगा उसी सैटरडे में 3 दिन हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। सैटरडे में 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो 25 अगस्त को आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अगला हम आगे बढ़ते हैं उस टाइप तीसरा या चौथे टाइप में आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइप आपका चौथा है। इस वाले में क्या होता है कि आपका जो ये डेट है ये भी चेंज हो जाएगा, 20 अगस्त के जगह, हाँ सितंबर चाहे अक्टूबर कुछ भी ले लीजिए, अक्टूबर 1950। अब इसमें क्या होता है आपका, ना मंथ सेम रहेगा ना आपका
वो ना डेट सेम रहेगा, ना मंथ सेम रहेगा, और ना ही आपका ईयर सेम रहेगा। तो इस केस में हम पीक क्या करते हैं, पहले कि हम इसको टाइप दूसरे की तरफ बना लेते हैं। टाइप दूसरे की तरफ बनाने के लिए मतलब जो हम डेट मंथ सब सेम कर देंगे, 19 सिर्फ ईयर का डिफरेंस रखेंगे। अभी हमें क्वेश्चन ये दिया गया, इसका पूछा गया दिन क्या होगा। अब हम क्या किए हैं कि 15 अगस्त 1950 को क्या होगा वो हम निकालना है हमें। तो 15 अगस्त 1950 को हम जब निकाले थे टाइप टू में, तो यहां से आया था हमारा सैटरडे, ठीक, सैटरडे आया था। तो सैटरडे हम जब निकाले हैं इसका, सकी सैटरडे आया है, अब हमें जाना कहाँ है, 20 अक्टूबर 1950 तक जाना है। तो 20 अक्टूबर 1950 तक जाना है, हम 15 अगस्त 1950 का सैटरडे निकाल चुके हैं। अब सिर्फ हमें मंथ का वेरी होना है, क्योंकि 15 अगस्त 1950 को हम निकाल दिए थे टाइप टू वाले में कि सैटरडे होगा। अब 20 अक्टूबर 1950 तक जाना है, तो हमारा देखिए अब क्या हुआ कि ये जो डेट है, ईयर हमारा सेम हो गया, 47 से हम 50 तक पहुंच गए हैं। अब सिर्फ मंथ पे जाना है कि ये अगस्त चल रहा है या अक्टूबर चल रहा है। अगस्त से अक्टूबर तक जाना है, तो अगस्त से अक्टूबर तक जाने के लिए हमारे पास 15 अगस्त है और 20 अक्टूबर तक जाना है, तो अगस्त के कितने दिन बचे हैं, अगस्त कितने मंथ का होता है आपका, 31 दिन का होता है, तो 16 दिन इसके बचे, ठीक, कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, इसमें 16 दिन बचे, 16 को 7 से डिवाइड करो, कितने आपका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आपका इसका आएगा 2 दिन, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन बचेगा जो आपका हफ्ता नहीं बन पाएगा। तो ये अगस्त का बचा, उसके बाद से सितंबर में आओ, सितंबर कितने दिन का होता है आपका, 30 दिन का होता है, ठीक, सितंबर 30 दिन का होता है। तो जो भी मंथ आपके 30 दिन के होते हैं उसमें नंबर ऑफ ऑड विषम दिनों की संख्या होती है 2, और जो 31 दिन की होती है उसमें विषम दिनों की संख्या होती है 3। तो आपका सितंबर जो होता है, आप सभी लोग जानते हो कि इसमें 30 दिन है, पूरा का पूरा मुझे सितंबर जाना ही जाना है, क्योंकि 20 अक्टूबर तक जाना है, तो यहां पे भी 2 होगा। और अक्टूबर में कहां तक जाना है वो देखो, 20 अक्टूबर तक जाना है, तो 20 अक्टूबर को 20 जो डेट दिया उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा वो और डे देख लेते हैं, कितना विषम दिन आएगा, तो 7, 14, 6 दिन आपका इसमें वो विषम दिन आएगा। तो अब इन तीनों को ऐड करते हैं, 6, 2, 8, 8, 2, 10, आ गया आपका 10 ऑड डे, मतलब 10 विषम दिन। अब इसमें हफ्ता बनाते हैं, हफ्ता बनाने के लिए 7 से डिवाइड कर दो, तो एक हफ्ता इसमें बन जाएगा, और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 दिन बचेगा, 3 दिन बचेगा, तो 3 डे, सैटरडे में 3 दिन हम जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूजडे, तो इस दिन आ जाएगा हमारा कि 20 अक्टूबर 1950 को सैटरडे व संडे, मंडे, ट्यूजडे, तो इस दिन भी हमारा क्या होगा, ट्यूजडे होगा। अब अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि जस्ट इसका रिवर्स दिया रहेगा। रिवर्स का मतलब जितने मैंने आपको टाइप बता दिया कि ये जो पहले एग्जामिनर इसका दिया था कि 15 अगस्त 1947 को ट्यूजडे है, अब आपको देगा कि 15 अगस्त 1950 को सैटरडे ये दे देगा जो आप निकालो थे कि यहां पे ट्यूजडे दिया था और सैटरडे आप निकाले थे। अब रिवर्स दिया कि 15 अगस्त 1950 को सैटरडे है, तो बताओ 15 अगस्त 1947 को क्या होगा, मतलब एक आगे वाला दे देगा दिन की क्या है एग्जामिनर, अब आपको पीछे वाला निकालना होगा, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें आप जैसे जैसे करते थे जो जो प्रोसीजर करते हैं कि हम ईयर का गैप ले लेते हैं, सेम वही अपनाएंगे। ईयर का गैप क्या है इसमें, ये 47 है और 47 से 50 3 साल का गैप है, तो 3 साल में 3 दिन हमारे विषम दिन मिलेंगे, 3 ऑड डे मिलेगा, और वैसे 15 अगस्त 1948 तक ये 48 का जो है लीप ईयर फरवरी में चला आएगा, तो एक दिन और मिल जाएगा हमें, ठीक, एक ऑड डे और मिल जाएगा लीप ईयर की वजह से, तो ये टोटल हो जाएगा 4 ऑड डे, तो ये 4 ऑड डे इसमें प्लस हुआ होगा, अगर यहाँ पे एक्स कोई दिन होगा उसमें 4 प्लस हुआ होगा तभी आपका सैटरडे आया है। तो ये सैटरडे दिया है और आपसे ये वाला डेट पूछ रहा है कि क्या होगा, तो आप जान इससे क्या करोगे, सैटरडे से 4 दिन माइनस कर दोगे, तो 4 दिन माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ट्यूजडे आ जाएगा, ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए कैलेंडर के कुछ पूछे गए क्वेश्चन। अब कुछ और बातें कर लेते हैं कि कैलेंडर में और किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। कैलेंडर में पूछता है कि रिपीटिशन, कैलेंडर कब रिपीट करेगा, आपको मैं वो लिखवा देता हूं कि कैलेंडर कैसे कब कब तक रिपीट करता है। जैसे जब भी कैलेंडर में आपका रिपीट के क्वेश्चन आए
और इस रिपीट के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है। इस रिपीट का क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि कोई व्यक्ति है जो भी नाम हो उसका, वो अपना सालगिरह अगर 15 अगस्त जो भी हो डेट दिया हो रविवार के दिन ही मनाता है, तो वह अपना फिर से नया सालगिरह जो होगा रविवार के दिन कम मनाएगा। उसके कहने का यह तात्पर्य कि अभी जो अब वो सालगिरह अपना मना रहा है, चाहे जन्मदिन मना रहा है, वो रविवार के दिन चाहे जिस दिन भी मना रहा है, फिर से उसी दिन कम मनाएगा। तो उसके कहने का मतलब कि जिस साल वो मनाएगा उस साल का कैलेंडर सेम होगा, तभी उसी दिन भी रविवार पड़ना चाहिए। ठीक, तो ये होगा रिपीट के क्वेश्चन जो इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, अगर जो भी आपका ईयर दिया हो उसे 4 से डिवाइड कर देना। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर आपके पास रिमाइंडर 0 बचता है तो 28 साल बाद आफ्टर 28 ईयर कैलेंडर रिपीट करेगा। अगर 1 बचता है रिमाइंडर तो आफ्टर 6 साल बाद रिपीट करेगा। ठीक है, और अगर आपका 2 या 3 रिमाइंडर बचता है तो आफ्टर 11 साल बाद रिपीट करेगा। ठीक, जैसे बोला जाए क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में यह पूछता है कि कोई व्यक्ति है जो 15 जुलाई 1950 को, ठीक 1950 को संडे के दिन अपना जन्मदिन मनाता है, तो फिर से वो अपना जन्मदिन संडे के दिन कम मनाएगा। इस टाइप के जब क्वेश्चन आए इसका मतलब रिपीट होगा वो साल जब वो संडे पड़ेगा। तो उसमें आप करना कुछ नहीं, जो ये 50 है ईयर उसको 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना बचेगा 48 और 2 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर 2 बचा या 3 बचा, कैलेंडर कब रिपीट होगा 11 साल बाद। तो डायरेक्ट आप 1950 में 11 जोड़ दो तो 1 यहां 5 1 6 1961 में फिर से वो 15 जुलाई 1961 को फिर से संडे के दिन अपना जन्मदिन मनाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है रिमाइंडर आपके कैलेंडर रिपीट से। तो टोटल ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी आपके जो क्वेश्चन इससे बनते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे गए होंगे वो मैं आपके क्वेश्चन सेशन में कराऊंगा।